हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 है, आपको पता होगा 430 पदों पे आई है। तो आज अपन जानने वाले हैं इन 430 पदों का कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन, यानी किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले देखिए 430 जो पोस्ट है उनका डिवाइडेशन किया गया है यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र की 385 पोस्ट है, जबकि अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया की 45 पोस्ट है। तो सब अपन जानने वाले हैं नॉन टीएसपी एरिया यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र की सीटों का डिवाइडेशन। ये 385 सीट है, इनका अपन डिवाइडेशन जानने वाले हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे अपने जनरल कैटेगरी यानी सामान्य, सामान्य की बात करें तो सामान्य में देखिए सामान्य की 101 सीट है, सामान्य में महिला की 29 सीट है, विधवा की 12 है और परित्यक्ता की 2 सीट है। टोटल बात करें तो जनरल कैटेगरी की यहाँ पे सीटें हो गई टोटल 144, कितनी टोटल 144 ये सीटें हो गई जनरल कैटेगरी की। नेक्स्ट बात करें अपन अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी में देखिए सामान्य की 42 सीट है, सामान्य महिला की 12 है, विधवा की 5 है और परित्यक्ता की 1 सीट है। टोटल सीटों की बात करें तो एससी कैटेगरी में टोटल सीटें हो गई 60, कितनी टोटल यहाँ पे सीटें हो गई 60 सीटें एससी कैटेगरी में। नेक्स्ट बात करें अपन अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का मतलब हो गया आपके एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में देखिए सामान्य की 32 सीट है, सामान्य महिला की 9 सीट है, विधवा की 4 सीट है। टोटल बात करें तो एसटी कैटेगरी में आपकी ये टोटल सीटें हो गई 45, कितनी टोटल यहाँ पे सीटें हो गई 45। नेक्स्ट बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, ओबीसी में देखिए सामान्य की 56 सीट है, सामान्य महिला की 16 है, विधवा की 6, परित्यक्ता की 1 है। टोटल सीटों की बात करें तो टोटल यहाँ पे सीटें हो गई 79, कितनी टोटल यहाँ पे देखिए ओबीसी कैटेगरी की सीटें हो गई 79 यहाँ पे आपकी सीटें हो गई। नेक्स्ट अपन बात करें अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी कैटेगरी, तो एमबीसी कैटेगरी में देखिए सामान्य की 13 सीट है, सामान्य महिला की 4 है और फिर विधवा की 1 है। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे टोटल सीटें हो गई आपके एमबीसी की 18, कितनी टोटल यहाँ पे सीटें हो गई 18 एमबीसी कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की नेक्स्ट अपन बात करें तो ईडब्ल्यूएस में देखिए सामान्य की यहाँ पे सीटें हैं 27, फिर सामान्य महिला की 8 और विधवा की 1। टोटल सीटों की बात करें ईडब्ल्यूएस में तो यहाँ पे 38 सीटें हो गई, कितनी 38। और फिर ये नेक्स्ट 12 जिला की जो शहरी या जनजाति है उसकी यहाँ पे 1 सीट है जो कि सामान्य की है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसमें सबसे पहले जनरल की है 144 सीट, उसके बाद एससी की 60 सीट, फिर नेक्स्ट एसटी की 45 है और ओबीसी की बात करें तो 79 है, एमबीसी की बात करें तो 18 है और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 38 यहाँ पे सीटें हैं। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा 385 सीटों का डिवाइडेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे रखा है, जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले विशेष योग्यजन का है, फिर उधर भूतपूर्व सैनिक का, जनरल की 17, एससी की 7, एसटी की 5, ओबीसी की 9, एमबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 4 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की 7 सीटें हैं। ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे रखा है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया, टीएसपी एरिया की कुल 45 पोस्ट है। इन 45 पोस्ट के डिवाइडेशन की बात करें तो सामान्य, सबसे पहले देखिए जो सामान्य कैटेगरी है उसमें सामान्य की 17 सीट है, सामान्य में महिला की 5 है और विधवा की 1 है। टोटल यहाँ पे सीटों की बात करें तो ये सीटें हो गई आपके 23। फिर अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी है उसकी टोटल यहाँ पे 2 सीट है जो कि टीएसपी एरिया की है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति की यहाँ पे देखिए यानी एसटी कैटेगरी है टीएसपी एरिया में, उसमें सामान्य की 14 है, सामान्य महिला की 5 और विधवा की 1। टोटल सीटों की बात करें तो टोटल यहाँ पे 20 सीट है, कितनी 20 यहाँ पे सीट है टीएसपी एरिया में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी की। फिर इधर देखिए हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखा है। तो ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा आपकी कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। अब आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, बाकी कोई भी डाउट कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ आप लेना चाहे तो ले लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।